फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सत्ता की भूख ने बनाया दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर शासक, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था। बॉलीवुड की मूवी पद्मावत में खिलजी डायनेस्टी को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी साम्राज्य का शासन था 1290 से लेकर 1320 तक, और खिलजी वंश को दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खिलजी वंश से जुड़े कई सारे ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे। तो इस वीडियो के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना आपका ज्यादा समय गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10th फैक्ट है, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक इन्होंने खिलजी साम्राज्य से दिल्ली पर शासन किया था। और जिस वक्त जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बने थे, तब वह 70 साल के हो चुके थे। जलालुद्दीन खिलजी के लिए बताया जाता है कि ये बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, जो अपने शासन काल के चलते अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। और जैसा कि आप में से कई लोग ये जानते हैं कि उस टाइम में दिल्ली के जितने भी शासक थे, वो आम तौर पर वो लोग अपने से नीचे अधिकारियों को किसी चीज पर विरोध करने पर उन्हें मार डालते थे। मगर जलालुद्दीन खिलजी का दिल इस बात में बहुत बड़ा था, और वे अपने विरोधियों को भी माफ कर देते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 9th फैक्ट है, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी एक साम्राज्य व्योभरी पर आक्रमण करने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर आक्रमण करने जाते हैं, तब वो आक्रमण करके बहुत सारा सामान लूट लाए थे, और इसी खुशी में जलालुद्दीन ने बहुत जश्न मनाया, और अलाउद्दीन की इस जीत से वे बहुत ही खुश थे। मगर उस समय अलाउद्दीन खिलजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और फिर उस जश्न के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी कि खिलजी साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी, और उसके बाद वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की जगह दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। हमारी लिस्ट में नंबर 8th फैक्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अब खिलजी डायनेस्टी के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही साहसी राजा था, और सम्राट बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला सैन्य अभियान हुआ था गुजरात पर। और जब अलाउद्दीन ने वहां पर हमला किया था, तो तब के राजा रामचंद्र देवो वहां से अपनी बेटी के साथ भाग गए, और वहां से उसकी रानी को अलाउद्दीन अपने साथ दिल्ली ले आया था। हमारे लिस्ट में नंबर 7th फैक्ट है, गुजरात की रानी के साथ मलिक कफूर, जो कि एक किन्नर था, उसे गुजरात से ही लाया गया था। और मलिक कफूर नाम के किन्नर का अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में एक अहम भूमिका थी, क्योंकि ये बाद में अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर भी बना था। हमारी लिस्ट में नंबर 6th फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो इस्लाम धर्म को मानते थे, मगर अलाउद्दीन खिलजी शुरू से एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहते थे। और अलाउद्दीन खिलजी एक और चीज भी चाहते थे कि सिकंदर की ही तरह ये भी पूरी दुनिया पर राज करे। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि भी ली गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने सभी लक्ष्य बिल्कुल सिकंदर की तरह ही बनाए थे। हमारी लिस्ट में नंबर 5th फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ये जानते थे कि हर शासन काल में विरोध होना बहुत ही आम बात है, और वो जानते थे कि उनके शासन काल में भी विरोध तो होगा। इसलिए उन्होंने ये देखते हुए कुछ आदेश जारी किए, जिसमें पहला आदेश था कि अमीर वर्ग के लोगों से उनकी जमीनें छीन ली जाएं और उसे खेती के लिए उपजाऊ बनाकर उससे भी दौलत कमाई जाए। हमारी लिस्ट में नंबर 4th फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक गुप्तचर प्रणाली
मतलब कि एक खुफिया जासूसों का समूह बनाया और ये समूह अलाउद्दीन को ये बताते रहते थे कि किस तरह के विरोध की संभावनाएं बन रही हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में अपने शासन काल तक शराब को पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि शराब पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्ग के लोगों के मिलने पर और किसी भी तरह के फंक्शन और त्योहारों के उत्सव पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। और वो उसने इसलिए किया क्योंकि उस समय ज्यादातर विद्रोह अमीर वर्ग के लोगों द्वारा ही किया जाता था और अगर ये अमीर वर्ग के लोग मिलेंगे ही नहीं तो विद्रोह के भड़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी केवल उन्हीं लोगों को सेना अध्यक्ष के रूप में चुनते थे जिन लोगों को अच्छा खासा अनुभव होता था और स्थायी सेना भर्ती यानी कि साधारण सैनिकों के लिए वो सीधी भर्ती किया करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन से पहले सैनिकों को नगद पैसों की जगह उनकी जरूरतों का सामान दिया जाता था, मगर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक बने जो अपने सैनिकों को सीधा नकद पैसे दिया करते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने घोड़ों के शरीर पर कुछ ऐसे निशान बनवाए थे जिससे ये पता चलता है कि ये घोड़े इन्हीं के हैं। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के हुलिये की एक लिस्ट बनवाई थी जिसका मतलब था कि लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखना जिससे उस सैनिकों की पहचान की जा सके। ये सब अलाउद्दीन के कार्यों का एक हिस्सा था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इनकी सेना में घुसकर इनके खिलाफ कोई साजिश न रच सके और इनके पास अपने हर एक सैनिक की जानकारी भी रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जुड़े थे दिल्ली सल्तनत के शासक खिलजी डायनेस्टी से, जिनका दिल्ली सल्तनत पर शासन काल तो कम था मगर खिलजी वंश के दूसरे सम्राट यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में कई बदलाव किए और कई नई चीजों की शुरुआत की। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल राजा था मगर सत्ता की लालच में आकर अपने ही चाचा और खिलजी साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, आपको खिलजी डायनेस्टी से जुड़े ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि हम हमारे चैनल पर हर बार आप लोगों के लिए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।